बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा कर रही है। अफरा तफरी के माहौल में विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में गांडे विधानसभा का चुनाव कराना असंवैधानिक होगा। सितंबर में आदर्श आचार संहिता लग जाएगा और दिसंबर में चुनाव होना है। देखिए, पहली बात तो नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था वो तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये पत्र बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से प्रत्यक्ष मिल पाए। जब ये पता चला कि कल वो आए, तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने, अरे ये नहीं माइक नीचे कर भाई, 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए, और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए, और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया, बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूंकि अब एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है, और हम कहेंगे कि एक साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो एक साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाते हैं, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है, अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है, तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए, और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है, और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई करेंगे, यह सब हम लोगों को पूरा संवैधान। वही विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा, जैसे लालू यादव ने बेऊर जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को सीएम बना दिया था, तो शायद हेमंत सोरेन भी कुछ ऐसा ही करने को सोच रहे हों। सरकार वो लोग कह रहे हैं कि बरकरार रहेगी, कोई संकट नहीं है हम पर। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो दो ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं, तो उनके कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सब ने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज को पढ़ा, तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है, या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हों कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिज़ाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई, आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है, शायद कोई नैन विधायक को, और जैसे लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम,
तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो और गलती से कुछ इस प्रकार के कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट होगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही सचेत किया, इसलिए आप देख रहे होंगे वो लोग भी कितना बाद में समझ में उन लोगों को आया। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से भी जा करके उन लोगों ने स्टेट में मेमोरेंडम जा करके दिया और उन लोगों ने किस प्रकार के तर्क दिया। जिस समय विधानसभा आहूत हुआ था उस दिन को मानता है भाई, हर कोई जानता है विधानसभा जो गठित होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को वो भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछे वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़े है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी और वहाँ से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते, लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है, और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि एक साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो दिसंबर में सरकार बन पाएगी। तो ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। बता दें कि झारखंड में इन दिनों गांधी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है, जिसे लेकर अब बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।